तो अब फिर से मैच कांटे की चौक पे आ गया, चाकू की नोक पे आ चुका है, क्योंकि ये विकेट के साथ साझेदारी थी। जो क्रिकेटर्स थे एग्रेसिव, वो थोड़ा उनको अपने आप को स्लो डाउन करना पड़ा, और एक फेस था जब कुछ भी करो आप कुछ आपको मना नहीं था। ये देखिए दो स्टार्स सलमान और वेंकटेश और किचास, इसी बीच 65-4 है स्कोर 9 ओवर के बाद। लीजिए ये है टिकरी, सलमान खान, वेंकटेश और किचा। अब किचा देखिए, अब सोहेल खान को थोड़ी तसल्ली दे दें कि भैया घबराना मत, मैंने बड़े बड़े मैचेस इस मुकाम से निकाल के ले गया हूँ मैं, और धैर्य रखें। पर सोहेल बड़े मजेदार हैं, क्योंकि ये जो टीम बनी है ना मुंबई हीरोज, ये उसके एक ऐसे पिलर रहे हैं, स्तंभ रहे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ये था, और अभी तक अभी खेल नहीं रहे क्योंकि इंजरी हो गई थी इनको बड़ी भयंकर, हैमस्ट्रिंग की मुझे बता रहे थे अभी, तो उसमें मौका नहीं लेना चाहते चोट का। पर जिस तरह से खड़े हैं, जिस तरह से नज़रें गड़ाई हुई उन्होंने, ऐसा लगता है कि बीच में ही खड़े हैं, और मुझे लगता है ऐसा वक्त दूर नहीं है कि टेनिस के जैसे क्रिकेट में भी नॉन प्लेइंग कैप्टन बन जाए। उनका सिर्फ रहना ही मुंबई हीरोज़ के लिए एक बहुत बड़ी बात, और ये बॉडी लैंग्वेज में पूरी तरह से ये दिखता है। आखिरी ओवर केरला स्ट्राइकर्स के इनिंग का, और 11 रन पीछे हैं केरला स्ट्राइकर्स। सिद्धांत मुले आए हैं अब गेंदबाजी करने के, फुल उठा दिया है इसे विवेक ने, और क्लीन सिक्स, जबरदस्त शॉट, 6 रन। आखिरी ओवर में जिस प्रकार का मोमेंटम चाहिए वो मिल गया है केरला स्ट्राइकर्स को। पिछले ही ओवर में आए थे विवेक, और आते ही यहां देखिए केरला स्ट्राइकर्स के फैंस के लिए खुशी की वजह बने, जबरदस्त फुटवर्क, घुटने पर एक बार को रखकर सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये 6 रन, और अब सिर्फ 5 रन पीछे हैं केरला स्ट्राइकर्स मुंबई खिलाड़ीज के स्कोर से, और इनिंग के बाद लीड पर आना मुंबई हीरोज के लिए एक बड़ा दबाव पैदा कर सकता है। फुल टॉस उठा दिया है, कैच की संभावना है, लेकिन नो मैन्स लैंड पर ये बॉल गिरती हुई। इसी प्रकार के नसीब की पूरी जरूरत है यहां पर केरला स्ट्राइकर्स को, और 2 रन तेजी के साथ 2 रन यहां पूरे किए विवेक ने। पर देखिए कॉन्फिडेंस की गेम है, क्रिकेट का भरोसा जो है। ओह क्या शॉट है, ओह हो बिल्कुल क्लीन हिट, पूरे हाथ खोले अपने, टाइमिंग कितनी बढ़िया और गैप कितना अच्छा ढूंढा। तो लीजिए केरला ने लीड ले ली, पर इस लीड का ज्यादा बनाल नहीं रहेगा मुंबई हीरोज को। विवेक आते ही 5वें गियर को लगाते हुए यहां पिछले ओवर से गैप को ढूंढा, एक बाउंस और चौका केरला स्ट्राइकर्स के पास लीड। केरला स्ट्राइकर्स के फैंस अपने कदमों पर आ गए, अपनी आवाज एक बार फिर से पा चुके हैं, क्योंकि भले ही जैसा अतुल भाई ने बताया कि यहाँ लीड लेने के कोई मायने नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो सकता है। फुल ये गेंद बाहरी किनारा लगते हुए 4 रन और मिलेंगे, हर एक चीज जाती हुई केरला स्ट्राइकर्स के ऊपर, जैसे कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। चांस लिया यहाँ पर विवेक ने और फल मिला उन्हें। फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन रिजल्ट वही मिला जो वो चाहते थे, तो इस बात से बिल्कुल खुश होंगे। इसके साथ साथ अब 6 रन की लीड पर आ चुके हैं केरला स्ट्राइकर्स, आखिरी बॉल बाकी है इनके इनिंग की, इस लीड को बढ़ाना चाहेंगे। विवेक स्ट्राइक पर, लास्ट बॉल, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फिर से नो मैन्स लैंड पर ये गेंद, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन इसके साथ केरला स्ट्राइकर्स आखिरी गेंद पर लेते हुए, और अपनी लीड को कर दिया है इन्होंने 8 रन का। देखिए अच्छी दो इस्तेमाल मार दिए।